आज हम पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पहले अपन ने डिफाइन किया था पदिक समीकरण क्या होती है, पदिक समीकरण को निकालने के लिए फार्मूले किए थे। उसके बाद हमने डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए कुछ फार्मूले निकाले थे। तो आज दोनों चीज़ें एक साथ मिलाते हुए कहीं ना कहीं चाप की लंबाई की अवकलज भी निकालेंगे। और वो सवाल करते समय, जैसा मैंने पहले भी कही थी कि ये सवाल लगभग एक ही प्रकार के होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं से एक सवाल के साथ दूसरा सवाल भी अपन कर सकते हैं। तो आज हम पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, दिए गए कर्व आर टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन साइन एन थीटा के लिए हमें डी एस बाई डी थीटा निकालना है। तो हम जानते हैं कि डी एस बाई डी थीटा को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले पहला काम हमें ये करना चाहिए कि करना क्या है वो पता लगाने के लिए, पहले डी एस बाई डी थीटा निकालेंगे कैसे। तो डी एस बाई डी थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला होता है डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डी आर बाई डी थीटा के होल स्क्वेयर का स्क्वायर रूट। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें डी आर बाई डी थीटा चाहिए। जो अपने को जो ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन का अपने को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो पावर्स है, पावर्स में यदि हम लॉग नहीं लेंगे तो डिफरेंशिएशन में साथ रहेंगी, तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहती है। ऐसे ही करें आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा करेंगे तो हम हमारी गलती को मिनिमाइज करते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर ये हो जाएगा एन लॉग आर इज इक्वल टू एन लॉग ए प्लस लॉग साइन एन थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अपने पास ये आ जाएगा एन बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ज़ीरो। लोग साइन थीटा, तो पहले लोग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन साइन एन थीटा, साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस एन थीटा, और एन थीटा का डिफरेंशिएशन एन। अब इसमें से जो एन आया, एन विल कैंसिल आउट। अब वापस यदि हम देखेंगे तो मेरे पास आ गया वन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू कोट एन थीटा, या इसको अपन और दिस कैन बी रिटन एज आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू टैन एन थीटा। और जो ये है अपने पास, इसको अपने पहले भी आपको बताया था कि आर डी थीटा बाई डी आर इज नथिंग बट दिस इज टैन टैन फाई। तो ये हो जाएगा टैन फाई इज इक्वल टू टैन टेन एन थीटा, एंड विच इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू एन थीटा। अपने पास जो ये रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट की मदद से हम दोनों काम कर सकते हैं। एक तो हम पीडल इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक मेरे पास फाई का मान आएगा। तो फाई का मान रखने से आगे चलकर जो कुछ भी मान अपन निकल, जैसे सपोज अपन इसके लिए भी पीडल इक्वेशन निकालनी हो, तो आप ये देखिए अपन सबसे पहले निकालेंगे पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। फाई का मान रख दिया था, मेरे पास हो गया आर साइन फाई, फाई हो गया एन थीटा। और दी गई इक्वेशन से साइन एन थीटा का मान निकालते हैं, तो वो हो जाएगा मेरे पास आर आर टू दी पावर एन अपॉन ए टू दी पावर एन। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया आर एन प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर एन। अब जो ये रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर, पी और आर का रिलेशन है। तो ये मेरे पास बन गया अपने पास पीडल इक्वेशन। अब चूंकि सवाल में हमारे को डी एस बाई डी थीटा निकालने थे, तो मेरे पास ये आ गया फाई इज इक्वल टू एन थीटा। और अब अपन सीधा करें तो भी काम हो जाएगा, फार्मूले में चलें वापस, तो अपन अभी देखेंगे कि डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वेयर होल स्क्वायर रूट। इसमें से यदि मैं आर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया दिस वन प्लस वन अपॉन आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, ये हो गया
आर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर फाइव, और वन अपॉन टेन स्क्वायर फाइव इज आर वन प्लस कोट स्क्वायर फाइव, एंड वन प्लस कोट स्क्वायर फाइव इज कोसेक स्क्वायर फाइव, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो दिस इज आर कोसेक फाइव। अब कोसेक फाइव आ गया तो इसमें कोसेक फाइव का मान मैं एन थीटा रख सकता हूँ, तो दिस कैन बी रिटन एज आर कोसेक एन थीटा। अब चूंकि डी एस बाई डी थीटा का मान मेरे पास आ गया, डी एस बाई डी थीटा इज आर, नाउ डी एस बाई डी थीटा इज आर कोसेक एन थीटा, तो आर की वैल्यू अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो दी गई समीकरण से मेरे पास आर का मान आ जाएगा आर टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन साइन एन थीटा। अब यहाँ से यदि आर का मान निकालता हूँ तो आर हो जाएगा मेरे पास ए साइन एन थीटा की होल पावर वन बाई एन, तो आर का मान रखेंगे तो इस इक्वेशन में ये हो जाएगा डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर, आर का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा की पावर वन बाई एन कोसेक एन थीटा, और यदि इसको और सिंप्लीफाई अपन कर लेते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज ए कोसेक एन थीटा अपोन, यदि इसको करें तो ये हो जाएगा कोसेक एन थीटा की पावर वन बाई एन, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ए कोसेक एन थीटा की होल पावर वन माइनस वन बाई एन, और सिंप्लीफाई करते हैं दिया जाएगा ए कोसेक एन थीटा की होल पावर एन माइनस वन बाई एन। तो इस एक सवाल के साथ हमारी दो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक तो हमने इसका पीडल इक्वेशन निकाल दिया और एक इसके मेरे पास ही आ गया डी एस बाई डी थीटा। ऐसे ही अपन एक और सवाल करते हैं, ध्यान देना है वो इतना ही है कि अपने को दी गई प्रॉब्लम कैसी है और उसमें हमारे को अल्टीमेटली प्रूव क्या करना है, जैसा अपने को प्रूव करना है वैसा मान अपन उसका निकाल सकते हैं। जैसे इस कर्व में मेरे पास कर्व की इक्वेशन थी आर इज इक्वल टू एन ए टू द पावर एन साइन एन थीटा, साइन एन थीटा की बजाय यदि इसमें कॉस आ जाता है तो थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है कि जब जैसे ही अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें एक माइनस आएगा, माइनस आने से कहीं ना कहीं गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ये सेकेंड सवाल है, मैं कॉस के लिए लेता हूँ तो आपको और ठीक से समझ में आ जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम इज फॉर द कर्व आर टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एम कॉस एम थीटा। जैसे पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था इसके लिए मान गए, इस सवाल में हमारे साथ दो कंडीशन लगा दी है कि इस सवाल के लिए अपनी इच्छा से मान नहीं निकाल करके अपने को रिजल्ट प्रूव करने के लिए कहा कि प्रूव दिस, जब प्रूव करने की बात कहते हैं तो हमारे को सीधा वो सारी चीज़ें वहीं लेना। पहला रिजल्ट प्रूव करना हुआ है डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए टू द पावर एम अपॉन आर टू द पावर एम माइनस वन इज इक्वल टू ए sec m थीटा होल पावर m माइनस वन बाई एम, और इसका जो सेकेंड पार्ट जो प्रूव करना है दैट इज़ a टू द पावर टू एम डी टू आर बाई डी एस टू प्लस एम आर टू द पावर टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो जो पहला पार्ट है ये तो लगभग हमारा सेम है जैसा कि अपने पिछला सवाल किया था, केवल क्योंकि साइन की जगह कोस आया तो उसमें जो हमारा कोसेक आया था इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोसेक की जगह इसमें मेरे पास सेक आ जाएगा। इसको मैं प्रूव नहीं करता हूँ, मैं आपके लिए आगे वाला जो सवाल है उसी को ही करता हूँ। हम जिससे अपने इनके फार्मूले निकाले थे डी एस बाई डी थीटा और उसी प्रकार हमने निकाला था डी एस बाई डी आर। तो यदि इस प्रॉब्लम के लिए वापस मैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके पहले अपने फाई का मान निकालने थी, हो जाएगा मेरे पास एम लोग आर इज इक्वल टू एम लोग ए प्लस लोग कॉस एम थीटा, तो ये हो जाएगा एम बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो प्लस वन अपॉन कॉस एम थीटा माइनस साइन एम थीटा इंटू एम। सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये एम से एम विल कैंसिल आउट एंड
अब ये बचेगा मेरे पास वन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन एम थीटा। इसको अपने रिवर्स करते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस कोट एम थीटा विच इम्प्लाइज टेन फाई इज इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू प्लस एम थीटा एंड दिस विल गिव यू फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एम थीटा। अब जो अपने पास ये फाई के मान आया है इस वैल्यू को जैसे अपन ने पहले बात करी थी कि पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, यानी हमें यदि इस दिए गए कर्व के लिए पीडल इक्वेशन निकालनी है तो हम साइन फाई निकालेंगे। पी इज इक्वल टू आर साइन फाई रखते ही मेरे पास ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू आर कॉस पाई बाई टू प्लस एम थीटा, और कॉस पाई बाई टू प्लस एम थीटा इज नथिंग बट साइन पाई बाई टू प्लस एम थीटा इज कॉस एम थीटा, और कॉस एम थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ से निकाल के दी वैल्यू सब्सटूट करेंगे तो सीधा हमारे पास पीडल इक्वेशन आ जाएगी। अब अपने को चूंकि जो प्रूव करना है अपन वहीं उसी तरफ आगे बढ़ना है, तो हम जानते हैं कि डी आर बाई डी एस डी आर बाई डी एस इज नथिंग बट कॉस फाई, और इसको क्योंकि हमारे को जो प्रूव करना है उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है, तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा डी टू आर बाई डी एस टू इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ कॉस फाई, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा माइनस साइन फाई इंटू डी फाई बाई डी एस। अब चूंकि मेरे पास डी फाई बाई डी एस का मान नहीं पता है तो मैं यहाँ पर इसको और थोड़ा सा ऑयलर्स चेन रूल को यूज़ करते हुए मैं इसको लिख लूँगा माइनस साइन फाई दिस कैन बी रिटन एट डी फाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस। अब चूंकि मेरे पास ये दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू सिंस फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एम थीटा दिस विल गिव यू डी फाई बाई डी थीटा इज नथिंग बट एम, और अभी अपने पहले पार्ट में प्रूव किया था उससे मेरे पास ये आ गया कि डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए टू द पावर ए टू द पावर आर माइनस एम अपॉन एम। अब ये वैल्यू वापस सारी यदि अपनी सब्सटूट करते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस एम साइन फाई इंटू आर टू द पावर एम माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एम। की वैल्यू सब्सटूट कर दें अपन तो ये आ जाएगा माइनस एम, फाई का वैल्यू रखता हूँ तो साइन पाई बाई टू प्लस एम थीटा आर टू द पावर एम माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एम एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एम कॉस एम थीटा आर टू दी पावर एम माइनस वन अपॉन ए टू दी पावर एम। अब जो अपने पास एक कॉस एम थीटा है, इस कॉस एम थीटा का मान
हम दिए गए कर्व की इक्वेशन से निकालेंगे, तो दिए गए कर्व की इक्वेशन है आर टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एम कॉस एम थीटा, और दिस विल गिव यू कॉस एम थीटा इज इक्वल टू आर टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एम। इस वैल्यू को अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉस एम थीटा की जगह, और जैसे ये मान यहाँ रखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डी टू आर बाई डी एस टू इज इक्वल टू माइनस एम आर टू द पावर टू एम माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एम, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू ए टू द पावर टू एम डी टू आर बाई डी एस टू इज इक्वल टू माइनस एम आर टू द पावर टू एम माइनस वन। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेने पर दिस विल गिव यू ए टू द पावर टू एम डी टू आर बाई डी एस टू प्लस एम आर टू द पावर टू एम माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और यही अपने को प्रूव करना था। तो इस प्रकार हम इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं।